हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे दो टॉपिक के बारे में। एक था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और दूसरा जो था वो था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम लोग फिर से जरा इन दोनों के डिफिनेशन चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinity to a point in electric field is known as electric potential। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो पॉइंट ए से एक यूनिट चार्ज को बी पर लाने के लिए हम जितना काम करेंगे वो चीज क्या कहलाएगी, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट का अपना अलग अलग पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट बी का कुछ अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पॉइंट ए का कुछ अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। इन दोनों के बीच यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हम सीधे जो होगा इसके लिए एक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, एक फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेंगे अब आगे पी डी से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू, वेयर W है वर्क डन, ठीक है, Q है अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक, और वहीं पे PD जो है वो PD क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग फॉर्मूला दे चुके हैं, पीडी इक्वल टू क्या, तो पीडी इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टमीटर। ध्यान रखिएगा, वोल्टामीटर नहीं, वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टामीटर एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, वोल्टमीटर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बताता है। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा, वोल्टमीटर, और पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होगा वो होगा वोल्टेज, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करेंगे वोल्टेज में, और शॉर्ट में हम उस वोल्टेज की जगह पे क्या यूज करेंगे, तो वोल्ट। ठीक है, अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन समझते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग समझने के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट ए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका पोटेंशियल जो है वो है 110 वोल्ट। ठीक है, पॉइंट ए इसका पोटेंशियल कितना है, 110 वोल्ट, और पॉइंट बी इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जो है वो है कितना, तो 210 वोल्ट। सपोज करते हैं ए का 110, बी का 210, और ए से हम मूव कर रहे हैं बी तक, कितना, तो 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसको मूव करने में हमको कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग देख ले, तो हम लोग के दो फॉर्मूले, जो दो डिफिनेशन हम लोग देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस का, उनमें से एक डिफिनेशन ये कहता था द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग का पीडी क्या आ सकता है, तो पीडी हो गया 210 वोल्ट, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है,
और माइनस 110 वोल्ट, ये किसका पोटेंशियल है तो बी का, यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 100 वोल्ट। ठीक है, पीडी हो गया हमारा 100। ठीक ना, हमारे पास क्यू चार्ज क्या हो गया, तो चार्ज हो गया हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 कूलम्ब। ठीक ना, और पूछा क्या है वर्क डन इक्वल टू व्हाट, काम कितना किया। तो फिर से हम इस फॉर्मूला को देखें, इस फॉर्मूला पे हमारे पास है पीडी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो पीडी हमारे पास हो गया 100 वोल्ट इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है तो डब्ल्यू हमारे पास नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, डब्ल्यू फाइन करना है वर्क डन, क्यू हमारे पास है 5 कूलम्ब, यानी कि वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया तो 100 वोल्ट इंटू 5 कूलम्ब, यानी कि हो गया 500 वोल्ट इंटू कूलम्ब। और हम लोग वर्क डन का यूनिट जानते हैं, वर्क डन को हम मीजर किसमें करते हैं, तो उसको हम मीजर करते हैं 500, उसको मीजर करते हैं जूल में, तो हमारा आंसर हुआ 500 जूल। आप सभी को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप और इस चीज को समझिए, W इक्वल टू 100 वोल्ट इंटू 5 कूलम्ब, और एट लास्ट हमारे पास आएगा क्या तो होगा 500 जूल। ठीक है, इसमें मेरे को क्या प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है Why, how much work is done by a 10 volt battery? पूछ रहा है क्या, how much work is done by a 10 volt battery on a unit charge? On a unit charge, unit का मतलब कितना, तो एक, मतलब कि एक 10 volt का battery है वो कितना काम करेगा, कितना work करेगा एक कूलम ऑफ चार्ज पे। ठीक है, तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या हो गई, Q हो गया मेरे पास 1 कूलम। ठीक है, हमारा फॉर्मूला देखिए जरा फिर से हम देखते हैं, तो PD इक्वल टू क्या है, तो PD इक्वल टू है W बाई क्यू। ठीक है, यानी कि W इक्वल टू क्या हो गया, तो हो गया PD इंटू क्यू, और फिर से वही फॉर्मूला, PD हमारे पास अवेलेबल है 10 वोल्ट और Q हमारे पास कितना है 1 कूलम, यानी कि वर्क कितना किया जाएगा, तो वर्क किया जाएगा 10 जूल। ठीक है, समझ में क्वेश्चन, वर्क डन कितना है तो वो है 10 जूल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, थर्ड क्वेश्चन, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इफ 300 जूल ऑफ वर्क इज डन, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन, यानी कि वर्क डन हमारे पास हो गया 300, इफ 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 3 कूलम्ब ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि चार्ज कितना है, तो चार्ज है कितना, तो 3 कूलम्ब, कहां से मूव किए हैं, तो ए से लेकर बी तक। ठीक ना, क्वेश्चन है इफ 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 3 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमारे पास आ चुका वर्क, हमारे पास आ चुका चार्ज, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम चीज, PD इक्वल टू क्या, तो W बाई क्यू, डब्ल्यू हो गया हमारे पास 300 जूल, Q हमारे पास हो गया 3 कूलम्ब, ये हो गया हमारा PD, और PD इक्वल टू क्या हो गया 300 बाई 3, यानी कटा तो कितना 100 जूल पर कूलम्ब, 100 जूल पर कूलम्ब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट, यानी कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 100 वोल्ट। ठीक है, ये सिंपली हम न्यूमेरिकल की बात करें, अब हम लोग जरा डिस्कस कर रहे हैं बार बार वोल्ट वोल्ट वोल्ट, देन व्हाट इज 1 वोल्ट, तो वोल्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके, वोल्ट क्या है, तो वोल्ट है यूनिट ऑफ पीडी, पीडी का यूनिट जो है वो क्या है, वो है वोल्ट। ठीक है, अब पीडी का फॉर्मूला जो आया वो था हमारे पास डब्ल्यू बाई क्यू, अगर सपोज करो 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए, 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए किसको मूव करने के लिए, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए पॉइंट ए से बी तक, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए, तो पीडी इक्वल टू हो गया क्या, पीडी इक्वल टू हो गया 1 जूल बाई 1 कूलम्ब, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो पीडी इक्वल टू हो गया 1 जूल पर कूलम्ब, इसको हम कह सकते हैं पीडी कितना हो गया, तो पीडी हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन बनता है व्हाट इज 1 वोल्ट। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉइंट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, अगर एक जूल हम लोग काम करें किसके लिए, तो एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, तो उस समय का जो पीडी होगा वो कहलाएगा क्या, तो 1 वोल्ट।
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग इतना ही कुछ जाना है, पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वन वोल्ट क्या है, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वोल्ट मीटर। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस काफी हाई होता है, और इसके लिए हम वोल्ट मीटर को हमेशा कभी भी रेसिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं। आप लोग बस अभी इतना ही याद रखेंगे कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, कभी भी जब हम लोग कनेक्शन करेंगे तो वोल्ट मीटर जो होता है वो कनेक्ट होता है पैरेलल टू द रेसिस्टर किसी भी सीरीज में। क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सीरीज, पैरेलल टू द रेसिस्टर बिकॉज इट हैज हाई रेसिस्टेंस। ठीक, आप इस चीज को याद रखेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग को आज देने वाले हैं। आपका आप लोग के पास एशियन पब्लिकेशन का या फिर भारतीय भवन पब्लिकेशन का या एनसीईआरटी का जो भी बुक्स होगा उसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो टेलीग्राम का लिंक स्कूल ने आपको प्रोवाइड किया है उस पर आपने क्वेश्चंस डालिए। आपने कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर फिर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आज इतना ही कीजिए, और कल आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी करंट। कल से हम लोग करंट पे ध्यान देंगे और फिर करंट के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग पहले ही करंट की कुछ बातें पढ़ के रखेंगे, व्हाट इज करंट, करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, करंट का यूनिट क्या है, ठीक, करंट को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ठीक ना। तो ये सभी चीजें आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट जो होगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।